अब देखो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि पहले आपने एक तरफ मैंने लगाई फोर्स, ये न्यूटन में, इधर मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटीमीटर में, एग्जांपल दे रहे हैं। फर्स्ट रेट फोर्स लगाई आपने 2 न्यूटन की, एक्सटेंशन पैदा हुई 1 सेंटीमीटर के, फिर फोर्स लगा दी 4 न्यूटन, एक्सटेंशन होगी 2 सेंटीमीटर, फोर्स लगाई 6 न्यूटन, एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर, फोर्स लगाई आपने 8 न्यूटन, एक्सटेंशन पैदा हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। यहां तक देखें, जिस रेशियो से फोर्स बढ़ रही थी उसी रेशियो से एक्सटेंशन भी बढ़ रही। अब मैंने फोर्स की रेशियो तो वही है 2, 4, 6, 8 लिया था, फॉर एक्सटेंशन क्या थी पहले 1, 2, 3 और ये क्या हुई रैपिड चेंज है। इसका मतलब यहां तक जो है ग्राफ 2, 4, 6 तक तो ग्राफ क्या बना स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट करें ये ओ से सी तक का ये रीजन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, ये इलास्टिक लिमिट है। लेकिन जैसे फोर्स इलास्टिक लिमिट से बढ़ाए मैंने 8 न्यूटन कर दिए, एक्चुअल एक्सटेंशन होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और ये होगी 6 सेंटीमीटर। इसका अब इसमें रैपिड चेंज आ गई, तो जहां रैपिड चेंज आती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, वो क्या बन जाता कर्व। इसका मतलब अब ये प्लास्टिक रीजन है ये इलास्टिक रीजन नहीं है। तो यही लिखा था व्हेन द कर्विंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद इन द इलास्टिक लिमिट, व्हेन इलास्टिक लिमिट क्रॉस देन द एक्सटेंशन मोर रैपिड, दिस इज शोन बाय द कर्व सी एच, ये इस कर्व सी एच। तो यहां तक इलास्टिक लिमिट था, इसके बाद इलास्टिक लिमिट आपकी क्या हुई क्रॉस। अब हमें निकालना रिलेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन चेंज, अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। ये तो आ रहा बच्चों अब हम निकालते हैं वर्क डन, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ दोबारा से ऊपर बना रहा हूं, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, आ रहा है। अब इसमें देखें हम कहते हैं हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तब जब एक्सटेंशन क्या है L1 है, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल, तो बाद में इसको बताता हूं क्या किया। ऊपर ही बना दूंगी इधर आप, इधर लेते हैं एक्सटेंशन और इधर लेते हैं फोर्स। और अभी मैंने बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जहां इलास्टिक लिमिट तक खत्म हो जाएगी प्लास्टिक लाइन शुरू हो जाएगा, वहां ग्राफ हमारे पास क्या बन जाता है कर्व बन जाता है। अब हम फर्स्ट करें कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन कब, जब एक्सटेंशन क्या है आपके पास L1 है और इस पे फोर्स क्या है F1 है। अब देखिए ये किस में आ रही है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आ रहा है। हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं कब, व्हेन द लेंथ इज L1 एंड फोर्स इज F1 एंड फोर्स इज F1। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, यहां लिखा हुआ है नाउ कैलकुलेट वर्क डन व्हेन एक्सटेंशन L1 एंड फोर्स इज F1। अब ये वर्क कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही कहां से 0 टू F1, तो फोर्स को सबसे बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंशन चेंज होती जा रही है, तो फोर्स चेंज फ्रॉम 0 टू F1, तो जब फोर्स चेंज हो रही होगी तो वर्क कैलकुलेट नहीं होता। आपको पता है वर्क कब कैलकुलेट होता है, जब फोर्स क्या हो कांस्टेंट हो। ये तो डिफिकल्टी आ गई, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन है कितनी आपका L1 है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये हमने डिवाइड कर दिया। नाउ द स्ट्रेंथ L1 इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स या एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, और हर एक्सटेंशन की जो हम कहते हैं लेंथ क्या है डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स सो स्मॉल इतनी छोटी है, इसके ऊपर अगर फोर्स चेंज होती है इतनी कम चेंज होती है तो अप्रोक्सीमेटली रिमेंस कांस्टेंट ये। तो नाउ टोटल एक्सटेंशन ये देखिए ना, तो टू मूव दिस डिफिकल्ट एक्सटेंशन L1 कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट की एक्सटेंशन कितनी है डेल्टा एक्स, डेल्टा सो स्मॉल द फोर्स अप्रोक्सीमेटली रिमेंस कांस्टेंट।
अब हम इस पहले पार्ट के लिए वर्क निकाल सकते हैं फर्स्ट सेक्शन के लिए। इसका वर्क क्या होगा देखो, अब फोर्स कौन सी होगी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा हमारे पास जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करा वर्क डन बाय द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। अब आपने टोटल वर्क निकाल लें, अब मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट तो ये ए है और जो भी आपने नाम देगा ये ए है और ये पार्ट आपने क्या उसे कह दिया बी है। आपने वर्क कैलकुलेट करना था टेंशन एल वन के लिए जिसके लिए फोर्स कौन सी थी एफ वन थी। अब हम क्या करेंगे, पहले आपने पहले एक्सटेंशन का वर्क निकाला फिर दूसरी का फिर तीसरी का फिर सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल एक्सटेंशन। आपने टोटल वर्क लेना है तो किसके इक्वल होगा सम ऑफ द ठीक है टोटल एरिया ऑफ द एक्सटेंशन। अगर आप गौर करें तो जब आप इसको सम करके सबका एरिया ले रहे हैं तो ये क्या बात है, अगर आप यहां से ज्यादा गौर करें तो ये स्टेट लाइन के अंदर जो शेप बन रही है ये क्या बन रही है रेक्टेंगल और सर ट्राइंगल क्या बन रही है यहां पर ये ट्राइंगल बन रही है कौन सी ट्राइंगल ओ ए बी। अब हम वर्क निकालते हैं एरिया मेथड से तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है लेंथ एल वन के लिए तो वर्क इसके इक्वल होगा वो वर्क इक्वल होगा क्योंकि स्टेट लाइन के अंदर शेप बन रही है एरिया रेक्टेंगल। ये देखिए ये बन रही है ये है O, ये A और ये B, ये है L1 और यहां पर फोर्स आपको पता ही क्या है F1 है। अगर आप देखें इस पर इसके फोर्स F1 है ये तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई है O A B तो वर्क किसके बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है O A B और आपको तो एरिया ट्राइंगल क्या था हाफ तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों ए बी और ये क्या आ गया ओ ए तो बेस इनटू हाइट तो ये देख ले हमारे पास ये आ गया जो मर्जी पहले लिख ले मैंने ए बी इनटू ओ ए। अगर आप इसमें देखिए ए बी तो ये ए से बी ये किसके इक्वल है ये एफ वन के इसकी जगह पर आ गया एफ वन O A तो O से A तक ये किसके इक्वल है ये है O से A तक ये L1 है तो ये L1 आ गया तो ये वर्क आ गया हमारे पास तो वर्क इज इक्वल टू हाफ F1 L1 हाफ F1 L1। अब ये जो वर्क है इस वायर के अंदर क्योंकि जैसे ही हम ये फोर्स हटाते हैं तो ये वायर दोबारा उजड़ पोजीशन में वापस चली जाती है। इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई थी पोटेंशियल एनर्जी तो दिस वाज स्टोर इन द वायर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ना चाहे इसको वर्क लिख दें या पोटेंशियल एनर्जी लिख दें तो दिस वाज स्टोर इन वायर ये वर्क स्टोर होगा वायर के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टेन एनर्जी तो चाहे आप एनर्जी लिख दें चाहे आप इसको वर्क लिख दें तो किसके इक्वल होगी हाफ एफ वन एल वन। अब देखिए जो ये वायर इलास्टिक लिमिट में है क्योंकि यहां से देखें ये सी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट में है तो अभी तो हम ओ से बी तक गए थे इसमें इलास्टिक लिमिट है हम चाहेंगे वर्क या एनर्जी को निकालें इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक लिमिट तो आप ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक लिमिट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक लिमिट तो ये हमें एनर्जी लेनी है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक लिमिट इफ हम कहते हैं ए क्या चीज है